मरीजों का हमसे ये सवाल काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है कि आप ये सर्जरी तो कर रहे हैं और डाइटिशियन ने हमको काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड और काफ़ी कम डाइट सजेस्ट करी है, तो कुछ मरीजों को ऐसा लगता है कि क्या जीवन भर हमारी डाइट ऐसी रहने वाली है? तो इसका उत्तर यह है कि बेरियाट्रिक सर्जरी के एटलीस्ट 2 से 3 वीक तक हम लोग लिक्विड डाइट सजेस्ट करते हैं, और उसका कारण ये रहता है कि लिक्विड डाइट जो होती है वो स्टेपल लाइन के ऊपर प्रेशर को अवॉइड करती है, क्योंकि इन सर्जरीज में हम स्टेपलर फायर करते हैं सर्जरीज करने के लिए, तो लिक्विड डाइट से जो लाइन पे प्रेशर आता है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो हम करीब 2 से 3 वीक की लिक्विड डाइट कंपलसरीली देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सेमी सॉलिड डाइट स्टार्ट होती है और फिर सॉलिड डाइट स्टार्ट होती है। जीवन भर इतनी कम डाइट नहीं रहती है, और मेरा हमेशा ये मानना है कि डाइट की क्वांटिटी से डाइट की क्वालिटी का कोई रिलेशन नहीं है। आप 1 लीटर की कैपेसिटी ऑफ स्टमक में इतनी सारी डाइट ले सकते हैं जिसकी कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू ना हो, और जो हम स्टमक की एनाटमी क्रिएट करते हैं उसमें आप इतनी अच्छी डाइट ले सकते हैं जिसकी काफ़ी अच्छी न्यूट्रिशियस वैल्यू हो। तो डाइट की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन उसको निर्धारित रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो मरीज़ का वज़न भी उसी अनुपात में बढ़ता है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं एक अच्छा बैलेंस स्ट्राइक करने की, जिसमें कि डाइट की क्वांटिटी थोड़ी सी 2-3 महीने बाद तो बढ़े, किंतु उस डाइट को मरीज मॉडिफाई करके जब क्वांटिटी बढ़े तो वो ऐसी चीज़ें खाए या इस तरह की फूड हैबिट्स डेवलप करे जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स मिनिमल हो और प्रोटीन्स और फैट्स की मात्रा हो, जिसको कि हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस डाइट उसको मिले और उसमें मल्टीविटामिन्स और प्रोटीन्स काफ़ी सारे हों, और कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को सजेस्ट करें। तो उसी अमाउंट ऑफ स्टमक कैपेसिटी में हम ये कोशिश करते हैं कि उसको काफ़ी न्यूट्रिशियस फूड मिले जिससे कि किसी प्रकार की कोई डिफिशेंसीज पेशेंट को नहीं हो। यहाँ पर यह कहना भी काफ़ी ज़रूरी है कि काफ़ी सारे मरीज़ जो हैं उनको ऐसा लगता है सर्जरी के पहले कि उनका पेट नहीं भरेगा और वो भूखे रह जाएंगे सर्जरी के बाद, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि हमारी सर्जरी के बाद काफ़ी अच्छा पेशेंट्स का स्टमक भरता है, बहुत अच्छी सेटाइटी आती है और काफ़ी सेटिस्फाइड वो फील करते हैं, बहुत कम मात्रा वाले भोजन में भी काफ़ी अच्छा फील करते हैं, और सब यही चाहते हैं कि वो कम खाएं, अच्छा खाएं और उनको जल्दी सेटाइटी आ जाए, तो ऐसा इस सर्जरी में होता है।